साठ अजर बिहारी। 5 अगस्त के दिन 500 साल बाद वो शुभ घड़ी आई जिसकी प्रतीक्षा करोड़ों हिंदुओं को थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर में साधु संतों की उपस्थिति में भूमि पूजन किया। मंत्रोच्चार के बीच शिलान्यास हुआ। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के भूमि और शिला पूजन का दिन ऐतिहासिक तो था ही। इस ऐतिहासिक लम्हे के बाद रामलला के जन्मस्थान की वो पहली झलक सामने आई जहां 11वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने मंदिर का निर्माण कराया था। 11वीं शताब्दी में गहड़वाल वंश ने पुनः मंदिर की स्थापना की। साल 1992 में हुए विवादित मस्जिद के विध्वंस के बाद पहली बार सहारा समय आपको राम जन्मभूमि की वास्तविक तस्वीरें दिखा रहा है। ये जगह 2.77 एकड़ के विवादित क्षेत्र में है जहां सदियों पुराना वास्तविक राम मंदिर था, और जब सन 1528 में भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया तो बाबर के सिपह सलाहकार मीर बाकी ने उसे तोड़ दिया था। राम मंदिर निर्माण की मांग 1885 से महंत रघुवीर दास की याचिका के बाद से ही तेज हो गई, लेकिन साल 1949 में कुछ राम भक्तों द्वारा इसी स्थान पर रामलला को विराजमान किया था, और फिर 1992 में 6 दिसंबर को कार सेवकों द्वारा मस्जिद के गुंबद को तोड़कर यहीं पर रामलला की मूर्ति को एक बार फिर स्थापित कर दिया गया। आज भी मौजूद हैं 11वीं शताब्दी में बने मंदिर के अवशेष। आज भी बचे हुए इस टीले पर 11वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। तस्वीरों में दिख रहा यह स्तंभ वही कसौटी का स्तंभ है जिसे कभी राजा विक्रमादित्य ने मंदिर में चुनवाया था। टीले के ऊपर समतल कंक्रीट का क्षेत्र पर मौजूद स्ट्रक्चर को मीर बाकी नहीं तुड़वा पाया था। उसने मंदिर पर आक्रमण के दौरान 49 कसौटी के स्तंभ तोड़कर बाबरी मस्जिद पर चुनवा दिए, लेकिन एक स्तंभ आज भी अपने इतिहास को बयां कर रहा है। इतिहासकारों ने माना यही था वास्तविक जन्म स्थल। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से और फिर ब्रिटिश साम्राज्य तक इस क्षेत्र में अंग्रेजों के अनेक इतिहासकारों और सर्वेयर ने यहाँ सर्वे किया और उन्होंने माना है कि भगवान राम का वास्तविक जन्म स्थल यही है। अंग्रेज इतिहासकार एडवर्ड स्मिथ इस स्थल को अयोध्या जन्मभूमि का पॉइंट नंबर 1 माना और यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह भी लगाया। ये प्रतीक चिन्ह आज भी यहाँ मौजूद है। साथ ही एडवर्ड स्मिथ ने अयोध्या में सरयू नदी, दशरथ महल, कनक भवन, सीता महल, गुप्तार घाट, श्रवण घाट आदि समेत कुल 149 पहचान चिन्ह लगाए थे। ऐतिहासिक टीले से 110 मीटर दूर बनेगा गर्भगृह। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जगह पर रामलला के दर्शन किए वो जगह वास्तविक मंदिर के बचे हुए टीले से 110 गज की दूरी पर है। जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन करके मंदिर की आधारशिला रखी, आने वाले दिनों में नया गर्भगृह यहीं पर बनेगा। इस टीले के बराबर ऊंचाई का बनेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि 11वीं शताब्दी के इस टीले को संगठित किया जाए और उसे ऐतिहासिक धरोहर और यादगार के तौर पर रखा जाए ताकि लोगों को अपना इतिहास ज्ञात रहे। और अब जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, करीबन यहाँ से जो आज शिला पूजन हुआ है वो 110 मीटर की दूरी पे है और नया स्ट्रक्चर अभी इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये चूँकि ये साक्ष्य है तो इसको नहीं छोड़ा जाएगा, ये पुरातत्व के अधीन है। और ऊपर जो 0 पॉइंट है, इस 0 पॉइंट को और उसके साथ लगे हुए जो पहचान है उसको वैसा ही रखा जाएगा। मस्जिद बनने के बाद कैसे पहली बार स्थापित हुए रामलला? देश का संविधान लागू भी नहीं हुआ था तब से विवादित ढांचे में मंदिर बनाने और मूर्ति स्थापित करने के प्रयास जारी थे। इसके लिए साल 1949 के दिसंबर की शुरुआत से ही अयोध्या में गतिविधियां शुरू हो गई थी। संत अपने तरीके से मंदिर में पूजा अर्चना करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक वर्ग ऐसा भी था जो मूर्ति रखने के लिए उग्र तरीका अपनाने की योजना बना रहा था।
हनुमानगढ़ी के तब महंत रहे स्वामी अभिराम दास के साथ चार अन्य संत थे, जिसमें राम सकल दास, सुदर्शन दास 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात को विवादित ढांचे के अंदर मूर्ति की स्थापना की। महंत अभिराम दास जी के शिष्य और वर्तमान में हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास ने अपने गुरु अभिराम दास जी का किस्सा सहारा समय को बताया, कैसे 22-23 दिसंबर की रात के बीच रामलला स्थापित किए गए। दिसंबर 1949 में वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर राम जन्मभूमि पर रामचरितमानस पाठ के आयोजन किया गया अयोध्या के संतों के द्वारा। कलेक्टर साहब, डीएम साहब, एसपी साहब सब आए, पूजा पाठ होकर के गया, लेकिन महाराज जी के कहनाम था, एक रानी बाजार में एक पंडित जी रहते थे, उनसे मुहूर्त दिखाया गया था कि कम मुहूर्त में तो उस तृतीया को जी हैं या वो 22-23 के रात्रि में वहाँ पर पूस मास था जी और तृतीया के समय दिन था, भगवान वहाँ पर बाबा अभिराम दास जी के द्वारा भगवान को वहाँ पर रख करके पूजा आरती होने लगा। दिसंबर 1949 की एक सुबह जब अयोध्या में गूंजा भय प्रकट कृपाला, हनुमानगढ़ी के महंत स्वामी अभिराम दास और उनके साथी संतों के द्वारा 22-23 दिसंबर की रात को रामलला की चबूतरे पर विराजमान मूर्ति को विवादित परिसर के बीच गुंबद के नीचे स्थापित किया और अगले ही दिन अयोध्या वासी बाबरी मस्जिद में मूर्ति प्रकट होने से खुशी में भय प्रकट कृपाला गा रहे थे। मूर्ति रखे जाने पर पांचों संतों पर FIR भी हुई। एक राम सकल दास जी थे, सुदर्शन दास जी थे और बाबा अभिराम दास जी, पांच आदमी के नाम उसमें FIR में दर्ज भया। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। देश को तब आजादी तो मिल गई थी पर संविधान अभी लागू नहीं हुआ था, धर्म निरपेक्षता और संवैधानिक ढांचे में नहीं था, लेकिन बिना किसी दुविधा के नेहरू ने पंत से बात की और मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने अयोध्या के कलेक्टर के नैयर और मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह को मूर्ति हटाने का आदेश दिया। शुरुआत में नैयर ने सख्ती दिखाने की कोशिश की लेकिन जनभावना और भीड़ के सामने वो टिक नहीं पाए और बाद में खुद वो इस बात पर अड़ गए कि मूर्तियां नहीं हटनी चाहिए। 1949 में जब मूर्ति पत्थर गई तब कलेक्टर ने कहा कि मूर्ति हटाइए नैयर ने, तो महाराज जी कहे कि लो हमारा सीना पर गोली चला दो, मूर्ति मैं हटाऊंगा, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम हटा दो, हाँ इतना जनता पर गोली चलाओ, तो वो रुक गया। और सिटी मजिस्ट्रेट थे गुरुदत्त सिंह जी, उन्होंने 145-46 कर दिया, भगवान के वही में भोग राग लगाने के डीएम साहब ने परमिशन दे दिया। 1949 में हुई FIR और उससे जुड़ा रोचक किस्सा। मूर्ति स्थापना को लेकर एक और रोचक किस्सा स्थानीय लोग बताते हैं, क्योंकि FIR महंत अभिराम दास और चार अन्य संतों के खिलाफ हुई थी इसलिए इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज है, लेकिन असल में जिन लोगों ने मूर्ति वहां रखी थी उनमें महाशय केदारनाथ, भोला दास पहलवान, भगवती दास, बुलबुली दास, पाराशर दुबे और करतार सिंह जैसे अनेक संगठनों से जुड़े लोग शामिल थे। हमारे पिताजी सहित उनके सभी मित्र जो थे वो बताया करते थे कि उस समय उनके नेतृत्व में यह तय हुआ कि रामलला की जो मूर्तियां हैं उन्हें सरकार ने अपने कब्जे में कर रखा है और वहाँ पहरेदारी होती है, तालाबंद है और हम लोग पूजा पाठ नहीं करने पाते हैं, तो उसमें 40-50 लोगों की एक टीम उनके नेतृत्व में तैयार थी और लोगों ने तय किया, उसमें भोला दास थे, भगवती दास थे, मेरे पिताजी श्री पारस दुबे जी थे और सरदार करतार सिंह, जनौरा के शेर बहादुर सिंह, बुलबुली दास जी और पंडित हरिहर नारायण त्रिपाठी जी, राम आश्रय यादव जी, इस तरह से बहुत सारे लोगों की टीम थी, इन लोगों ने तय किया कि रामलला को वहाँ पधराया जाना चाहिए, तो उन्होंने एक ठठरैया मोहल्ला बगल में चौक के पास ही
वहाँ एक मूर्तिकार के यहाँ गए और उनसे मूर्ति की बात की कि रामलला का वो बालपन की मूर्ति चाहिए। तो उन्होंने कई मूर्तियाँ दिखाई। परमहंस रामचंद्र दास जी भी उस टीम में शामिल थे, उन्होंने एक मूर्ति पसंद की और कहा यही चाहिए। तो उन्होंने 50 रुपये कीमत बताई थी, बाद में 45 रुपये पर सब सौदा तय हुआ। मूर्ति लाए और परमहंस जी अकेले जाते थे रखने और रख नहीं पाए 2-3 दिन। फिर एक दिन सारे लोग साथ गए, रात को पहुंचे, इन लोगों ने वहाँ मूर्ति पधराई। इस मामले में FIR दर्ज करवाई गई। FIR में पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने मुख्य रूप से 3 लोगों को नामजद किया था। इनका नाम अभिराम दास, राम शकल दास और सुदर्शन दास था। और इसके अलावा 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी दंगा भड़काने, अतिक्रमण करने और एक धर्मस्थल को अपवित्र करने का मामला दर्ज किया गया था। इस FIR से जुड़ा एक कस्ता मूर्ति स्थापित करने वालों में शामिल पारसनाथ दुबे के पुत्र संतोष दुबे ने सहारा समय को बताया कि उनके पिताजी बताते थे कि उन्होंने और उनके साथी भोलादास पहलवान ने विवादित परिसर की सुरक्षा में तैनात बरकत अब्दुल को एक जोर से थप्पड़ जड़ा जिससे वो बेहोश हो गए थे और उसी बीच में मूर्ति स्थापित की गई थी। सरदार करतार सिंह जी और पंडित हरिहर नारायण त्रिपाठी लोग बताते, वहाँ एकमात्र हवलदार था, वो पहरे पर सो रहा था। तो भोलादास जी की ड्यूटी उसको रोकने की थी। उन्होंने पहुँचते उसको जोर से, बहुत अच्छे पहलवान थे, उन्होंने जोर से तमाचा मारा, वो जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। फिर लोगों ने मूर्ति रखा और परमहंस रामचंद्र दास जी के जिम्मे लगा, सबसे कम उम्र के उस समय वही थे, तो उनके जिम्मे लगाया गया कि आप सुबह पूरी अयोध्या में इसकी चर्चा करेंगे। दूसरे दिन सुबह परमहंस जी सरयू तट पर पहुंचे और उन्होंने हल्ला किया कि रामलला विराजमान हो गए, पधार गए हैं, धरती से निकल आए हैं। तो वह अभिराम दास जी घाट पर ही थे, वो भी भाग कर गए और भी तमाम पूरी अयोध्या पर टूट पड़ी, पूजा पाठ होने लगा, तब से रामलला वहाँ विराजमान है। इस घटना के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन को नाथ संप्रदाय के दिग्विजय नाथ, उनके शिष्य अवैधनाथ और महंत अभिराम दास के शिष्य धर्मदास परमहंस रामचंद्र दास ने आगे बढ़ाया, जिसमें अनेक संत जुड़ते चले गए और अखाड़ा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 1984 में विश्व हिंदू परिषद आंदोलन को अपने हाथों में ले लिया, जिसके बाद राजनीति में संतुलन बनाने के लिए कांग्रेस ने 1986 में विवादित स्थल के ताले खुलवा दिए। इस कदम के बाद से आंदोलन और तेज होता चला गया, जिसके बाद 6 दिसंबर 1992 में बाबरी विध्वंस की घटना सामने आई। में हम लोगों ने यह फैसला कर लिया था कि जल्दी हम लोग बाबरी विध्वंस करेंगे, क्योंकि और राजनीतिक दल तो इसमें राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों को हल्ला मचाना नहीं था, हम लोगों का सीधा एक ही फंडा था कि बाबरी विध्वंस करें। साल 1989 में VHP द्वारा अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर शिलान्यास की योजना बनाई गई, जिसके बाद से BJP और हिंदू संगठनों का उत्साह चरम पर था। इस उत्साह को भुनाने के लिए सितंबर 1990 में BJP के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने श्री राम रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसके बाद देश भर से मंदिर आंदोलन की गति बढ़ाने के लिए अयोध्या में कार सेवा की योजना बनाई गई। लेकिन कार सेवा की आड़ में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने की एक अलग योजना तैयार की गई थी। पहले से निश्चित था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना है तो तोड़ना है, क्योंकि अब अगर नहीं टूटेगा तो फिर अगली बार तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं वो कब समय आएगा। और तोड़ा, हम लोगों ने तोड़ा। तोड़ने के बाद सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए। असल में हम लोग 5 दिसंबर को ही पहुंच गए थे, सारे लोग, लगभग 5,000 लोग पहुंच गए थे, जिसमें से सब लोगों का कार्य जो है बटा वहाँ पे, और बटने के बाद प्रातः हुई और सब लोग अपने अपने कार्य में लग गए। ये तो रामकाज था। बाबरी विध्वंस के मुख्य आरोपी सहारा समय को बताया कि उस पर अमल करने के लिए कैसे 5,000 बलिदानी कार सेवकों का जत्था तैयार किया गया। 2 नवंबर 1990 को मुलायम सरकार ने गोलियां चलाई थी, तो गोलियां हमको भी लगी थी, हमारे बहुत सारे साथी मार दिए गए, तो ये पीड़ा मन में थी।
तो इस बीच हमको आदरणीय ब्रह्मचारी जी महाराज ने यह सलाह दी कि एक फौज तैयार करो जिसमें कम से कम 5,000 लोग हों। जब हम भील वहां आ गए तो चारों ओर से आक्रमण करें ढांचे पर और वो सशस्त्र लोग हों। वो खाली हाथ वहाँ भजन करने से ढांचा नहीं टूटेगा और जब तक ढांचा टूटेगा नहीं तब तक राम मंदिर कैसे बनेगा। तो उस तैयारी में पूरे 5,000 लोगों की फौज बनाने के लिए हमको लगभग पूरे दो साल लग गए। हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 30-32 जिलों में एक संगठन खड़ा किया और सबसे रक्त से हस्ताक्षर करवाते थे और रक्त का ही सूत्र हाथ में बांधा जाता था तो रक्षा सूत्र बंधन होता था। संतोष दुबे ने बताया 6 दिसंबर 1992 को लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, डालमिया और उमा भारती अन्य कार सेवकों के साथ जन्मभूमि पहुंचे थे। वहां बयानबाजी चल रही थी लेकिन तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक बलिदानी जत्थे ने कैसे विवादित ढांचे पर हमला बोला। 5 दिसंबर 1992 को महंत देवराम दास वेदांती जी के आश्रम में राम बल्लवा कुंज में इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने का वही एक स्थान था, बड़ा स्थान था। उनके यहाँ सब इकट्ठा हुए, वही भोजन पानी सारी व्यवस्था की गई और वहीं से कार्य का विभाजन भी हुआ। 300-300 लोगों का ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप में यह तय किया गया कि राम काज करने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, हम में से कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा, सारे के सारे बंदे हर हर महादेव का नारा लगाएंगे क्योंकि वहां पहले ही जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा था, इसलिए यह तय हुआ था। फिर हम सारे लोग अपने अपने शस्त्रों के साथ करीब 9 बजे वहां से निकल पड़े और 10:15 बजे कार्यक्रम तय था। तो हम लोगों ने ढांचे पर हमला किया और नारेबाजी खूब जबरदस्त हुई और उसके बाद सब लोगों ने ढांचे पर चढ़ करके उसको तोड़ा। उसमें वही तोड़फोड़ में शामिल रविशंकर पांडे ने सहारा समय को बताया लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर जोशी, उमा भारती और जिन नेताओं पर आरोप लगे असल में विध्वंस में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। वो लोग माइक पर कार सेवकों को गुंबद में चढ़ने और तोड़फोड़ करने से रोक रहे थे। राजनीति आज भी चल रही है, तब भी चल रही थी, तो राजनीति तो बंद होनी नहीं है। इसका लोगों ने कुछ किया नहीं, किया हम लोगों ने और शेयर दूसरे लोग ले रहे हैं। राजनीति चल रही है, चलने दीजिए, इससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं। संतुष्टि का अभाव केवल यही है कि हम लोगों ने राम काज। फिलहाल ये विवाद अब समाप्त हो चुका है। कई दशकों तक चली लड़ाई के बाद रामलला को अपनी जन्मभूमि वापस मिली और अब उस जगह पर भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है जिसकी नींव खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों रखी है। अयोध्या से रोशन गॉड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।